नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। शब्बे बारात है, इस सिलसिले में पूरे आवाम से गुजारिश है कि नमाज पढ़ने के ज्यादा ग्रुप से नहीं जाए, कब्रिस्तान जाके तो एक आध जगह जाके फिर वापस दिल्ली आ जाए और ग्रुप नहीं होना, ग्रुप से मिलकर नहीं होना, क्योंकि ऑलरेडी अपने महलों में ये सुरेंद्र नगर में और जलवा नगर में और कंडवी कॉलोनी में 3 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। इस सिलसिले में हम पूरे एरिया को कार्डन ऑफ कर दे रहे, पूरे लोगों को आना जाना बंद करा दिए पूरे वहाँ, और जितने भी 2-3-4-5 गलियाँ हैं वो गलियों को सील कर दिए, वो गली वाले बाहर नहीं निकलना, बाहर वाले अंदर नहीं जाना, जो भी उनको सामान की जरूरत है तो बाहर से उनको सप्लाई हो रहा वैसे कर रहे, और वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हुए तक और जितने भी आजू बाजू के लोग हैं जिनको पॉजिटिव आया उनको भी एक तकरीबन हम 10-10 भी एक एक घर के पास से 20-20 लोगों को क्वारंटाइन करा दिए। तो आवाम से गुजारिश है आज भी ये ग्रुप से नहीं निकले, तो थोड़ा ये कोरोना वायरस को देखते हुए थोड़ा एहतियात बरते और घर में नमाज पढ़ लेके थोड़ा ग्रुप से नहीं निकलना, एक आध जगह नहीं जाके फिर जल्दी घरों में आके बैठ जाना। और ये जलाल बाबा नगर में जो निकला इसके रास्ते कुछ ब्लॉक करें आप लोग, थोड़े रास्ते भी हम ब्लॉक करे तो है जलाल बाबा नगर में और सुलेमान नगर में जितने भी हम गलियां ब्लॉक करते हैं, गलियों को जो बच्चियों के बड़े लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो वैसे कायम लगाए, हम जो ब्लॉक करें जो बैरिकेडिंग करें उसको कायम करें, जिनकी उनको बाहर निकलने नहीं देना क्योंकि बहुत डेंजरस वायरस है ये, वो हवा से लगता नहीं मालूम हो रहा, वायु मिलने से लगता नहीं मालूम हो रहा, इतना बरसना है तो अपने को अपन कंट्रोल कर लेके ये और एक 10-12 दिन कंट्रोल अपन थोड़ा एहतियात करें तो ये पूरा ये वायरस पूरा क्लियर हो जाता। इस सिलसिले में सबसे गुजारिश है कि थोड़ा अपन कंट्रोल करना, बाहर नहीं निकलना, घर में रहना, एहतियात बरतना।